Hello guys, we're going to talk about the economical condition in Pakistan that is recently gradually falling, as you're seeing about the Moody's recent ranking in the petrol hike. So ab hum log kya keh sakte hain iske bare mein ki hamare ko petrol jo hai wo 200 tak ho chuka hai, diesel badh chuka hai and economical crisis aayega Pakistan mein as expected. Jaise ki hame pata hai to loan hame dena nahi hai, IMF ne agar humne petrol na badhaya ya to sell ho ya to khud aa jao. तो पॉलिटिक्स के ऊपर तो पाकिस्तानी बहुत बात करते हैं हर टाइम ना. पाकिस्तानियों का काम ये है कि गुलाम कौम गुलाम जहनीत है. तो PTI, PMLN, DPP, तजुर्रहमान ग्रुप एंड पता नहीं क्या अजीब अजीब लोगों को सपोर्ट करते हैं, अमीरों को सपोर्ट करते हैं. वो खुद गरीब हैं, अकल तो है नहीं. तलवे चाटते हैं अमीरों के, अपने बच्चों से भी तलवे चटवाएँगे एंड उनकी अपने बच्चे भी इनकी गुलामी करेंगे, खुद भी गुलामी करेंगे. इमरान खान के नारे लगा रहा है, कोई नवाज शरीफ के लगा रहा है, कोई जरदारी के लगा रहा है, कोई बिलावल भुट्टो के लगा रहा है. गुलाम कौन है? तो ये तो उन्होंने करना है, खुद तो पॉलिटिक्स में आना नहीं, खाली चुर चुर करनी है ना. जब पेट्रोल बढ़ेगा, पेट्रोल की जैसे कीमत बढ़ेगी तो उनकी चुर चुर शुरू हो जाएगी. यार पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, वो आवाम पर जुल्म हो रहा है. गरीब की कुछ सुनता ही नहीं. गरीब की कौन सुनता है? गरीब खुद पार्लियामेंट में आके बैठेगा तो कुछ बनेगा ना. अमीर तुम्हारी पॉलिसीज बनाएंगे क्या? तो तुम उनके अमल दरामद करोगे तो तुम कहते हो गरीब ही क्यों सुनता नहीं. खुद पॉलिटिक्स में आओ, खुद पार्लियामेंट में बैठो, खुद सेनेट में बैठो ना, खुद रूल्स बनाओ ना, खुद अपने लिए इकोनॉमिक चलाओ. इतने पढ़े लिखे तुम लोग नौकरियों के पीछे मारने वाली जाहिल कौम गवार गरीब जो है ना, बातें फिर चोतते हो कि यार नहीं यार हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है. जुल्म तो होगा बेटा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर काबिज़ ही अमीर है. तुम लोग इसको समझो एंड कबूल करो, क्योंकि तुम लोगों की फितरा था, तुमने आगे चल पड़ना है. तुमने तो आना नहीं पॉलिटिक्स में, ना बच्चों को लेकर आना है. बात है तुमसे करा लो, फेसबुक की बमीम के ऊपर हमारे से रिएक्ट करा लो एंड बस ये चुर चुर करते रहो. अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल ना करना, अपने हालात से जो है ना बेजार रहना कि आपने ये तो बस आफत आई हुई है. हम क्या कह सकते हैं, हमारी किस्मत ही ख़राब है, तुम आप ही ख़राब हो. तो सही है ना, खुद पॉलिटिक्स में आओ, खुद पॉलिटिक्स में आओ, अपने बच्चों को लाओ, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल हो, आगे बढ़ो. एक जगह रुको नहीं, एक ही नौकरी 60 साल के लिए ना किया करो, 80 सालों के लिए एक ही नौकरी ना किया करो. खुदा का वास्ता तुम अगे बढ़ो, कुछ करो, जल्दी सोचो. ये मुल्क थोड़ा बैंकक्राफ्ट होने लग गया या हो चुका है? हमें समझ नहीं आ रही. दो टाइम जो है ना ये भी बड़ी गड़बड़ हुई है, बैंकक्राफ्ट हो चुका है जो हो रहा है. ठीक है, मूडीज हैं जो ना आपकी इकनॉमी जो है ना वो नेगेटिव में कर दिया, स्टेबल से नेगेटिव में आ गया. अब आप करो मजे. सो ये था हमारा आज का जो फाइनेंशियल पाकिस्तानी एनालिस्ट सही है, एनालिस्ट ये तो मैं कच्चा मोचा एनालिस्ट नवा. ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय.